5.4 पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। आपको मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व पर्यावरण में ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आते हैं। किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है। इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होता है। सोचें और नोट करें, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन क्रियाओं से निकलती है? पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? पौधों से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचते हैं? चित्र देखकर बताएं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किन किन स्रोतों से पहुंचता है? प्रकृति में कार्बन का चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय चक्र के रूप में चलता रहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों का कुछ भाग कोयला, चूना पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है, किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है। पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। जब जंतु पौधों को खाते हैं तब कार्बनिक पदार्थ जंतुओं में पहुंचते हैं। अंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पौधों और जंतुओं के मृत शरीर एवं अंगों के सड़ने आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का एक चक्र चलता रहता है।